हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो बनाने वाले हैं ब्लूटूथ स्पीकर, वो भी ग्लूथ स्टिक्स है। फ्रेंड्स बहुत मजा आएगा। वैसे फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो पहले बना दी थी, लेकिन 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 भाई बता दो, वो फ्रेंड्स मैंने ग्लू स्टिक मेल्ट करके बनाई थी, यानी कि पिघला कर बनाई थी उसकी बॉडी। लेकिन फ्रेंड्स आज बिल्कुल न्यू डिजाइन बनाने वाले हैं, बिल्कुल फ्रेश ब्लूटूथ स्पीकर होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं चाहिए बहुत सारे ग्लू स्टिक। तो चलो फ्रेंड्स अपने टॉपिक पर चलते हैं। और हाँ, बहुत सारी ग्लू स्टिक। समर एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स मैं लेकर आ गया हूँ बहुत सारी ग्लू स्टिक, देख सकते हो दो दो पैकेट। हाई चले गए, फटाफट इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे अनबॉक्सिंग क्या करेंगे, पैकेट खोलना सीधा हम खत्म कर दिए ना। तो भाई ये एक पीस में 36। देखिए ये फ्रेंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए भाई, हाँ ये है ट्रांसपेरेंट। तो फ्रेंड्स आप कोई से भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके लोकल मार्केट में मिल जाए। वैसे फ्रेंड्स ये ज्यादा ब्राइट होगी, अगर आपको कम ब्राइटनेस चाहिए तो ये वाली आप लगा सकते हो। चलिए चलते हैं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं, भुट्टे हो गया ये भाई। कितने लेनी है, 1 2 3 4 5, 5 ही हो गई। और भाई 5 हो गई, आपके सामने 10 ले रहा हूँ, देखते हैं कितनी हम इसमें लगा पाते हैं। ओके 10, तो चलो भाई रखते हैं पैकेट साइड में। भाई वाह फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हर चीज बताऊंगा, तो प्लीज बने रहिए। और हाँ, इसका बॉटम आप चाहे तो ग्लू स्टिक से मत बनाइए, किसी बोर्ड का लकड़ी का बना सकते हो, मैं तो फिलहाल टोटल इसका ही बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ देखते हैं भाई, एक ग्लू स्टिक कितनी लेंथ है। देखिए फ्रेंड्स ये 20 mm, यानी कि 20 mm की लेंथ है इसकी पूरी की एक स्टिक की। तो भाई हम ऐसे ले सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारी ग्लू स्टिक कम से कम खराब हो, यानी कम से कम वेस्ट हो। तो फ्रेंड्स ये 20 cm की, तो हम 6.5 के 3 पार्ट ले सकते हैं। 6.5 13 19। तो भाई लेंगे नाइफ, नाइस, और बस कट कर दो। लीजिए देखिए 3 पार्ट बिल्कुल इक्वल कट गए हैं। अगर आपको पता लगाने के भाई हम कितना बड़ा बॉक्स बनाएं कट करने से पहले, तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। ऐसा रख दिए और देखिए जिंदा ग्लू स्टिक ऐसा रख दो। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए यह अप्रोक्स 7.5 cm है, जो कि इनफ है। तो मैंने सिर्फ 2 ग्लू स्टिक कट किए हैं। और देखिए मिनिमम वेस्टेज देखिए सिर्फ 5 mm की, देखिए 2 पार्ट निकले हैं, यानी फ्रेंड्स हमारी नाक के बराबर बिल्कुल जो ग्लू स्टिक है वेस्ट हो रही है। अब दो सवाल ये उठता है भाई, इसे चिपकाए कैसे, ठीक है, ग्लू स्टिक को चिपकाए कैसे। इसे फ्रेंड आप ग्लू गन से चिपका सकते हो, लेकिन मेरे पास एक तरीका और है जो कि बेस्ट तरीका है। तो भाई हमें लेना कोई भी लाइटर, अगर आपके पास लाइटर नहीं है तो आप कोई भी तवा या कोई भी लोहे का टुकड़ा गर्म कर सकते हो गैस पर, और इसे इस तरह रखिए, मेल्ट हो जाएगा और आपस में चिपका दीजिए। सबसे सिंपल है, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर जिससे कि ये भागे नहीं, बस बस हो गया। और भाई इसे चिपका दो। भाई वाह, भाई वाह, देखिए और इसे निकाल देते हैं। देखिए क्या मस्त तरह चिपकाया, थोड़ा सा कूल होने देते हैं, कूल कूल। तो देखिए बॉस क्या आप मजबूत चिपका देगी, देखिए ठीक है। अगर आपको और भी ज़्यादा मजबूत करना तो एक आइडिया और है मेरे पास। पहले देखिए वही लगाते हैं जो हमने स्क्रू ड्राइवर लगाया था, और इसे रखते हैं यहाँ पर साइड में और दोनों को हिट करेंगे एक बार। बस अब देखिए तभी सी मस्त चिपक रही है, अरे बाबा देखिए हो गया। इस टेक्निक में ये बेनिफिट है, आपका कोई भी निशान नहीं लगेगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका काम होगा, अच्छा भी लगेगा। हाँ भी आपने कुछ बनाया है फिनिशिंग के साथ। देखिए मैं आपके सामने इसे हटाता हूँ, देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, हमारी एक वॉल बन चुकी है ब्लूटूथ स्पीकर, यानी कि एक साइड बन चुकी है, ये कंप्लीट हो चुकी है। और इसी तरीके से 5 पीस मैं और बना लूंगा। एक दो तीन चार 5, चलो फ्रेंड्स मैंने 5 पीस तैयार कर लिए हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब आते हैं स्पीकर पर। देखिए दोस्त 3 वाट का 4 ओम का मैं स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ,
और मैं इसकी आपको डायमेंशन बताऊं तो इसकी डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 35 mm। आप चाहो तो फ्रेंड्स ये वाले स्पीकर भी यूज कर सकते हो जो कि 50 mm का यानी 5 सेंटीमीटर का है, और इन दोनों आप फर्क देखिए, ठीक है, ये काफी क्यूट सा लगता है इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। आप इसे कितना ही बड़ा बना सकते हो जो कि बॉक्स हम बना रहे हैं, फिलहाल हम इसको फिट करेंगे। तो चलिए भाई स्पीकर फिट करने का भी जुगाड़ कर लेते हैं, मीडियो में ले लेते हैं बिल्कुल, और बस पेंसिल का मैं यूज कर रहा हूँ, मार्कर शो होगा काफी यानी चमकेगा, हमें कुछ चमकाना नहीं है। देखिए इतना मार्क बहुत है, हमें चमक रहा है। अब आपके सामने ये बात आती है कि भाई इसे कट कैसे करें, ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी तरह से कट करना है फिनिशिंग के साथ, तो भाई थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा लेकिन फ्रेंड्स नाइफ के साथ कर सकते हैं। देखिए कट जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छी तरह से कट रहा है, लेकिन मैं और भी फास्ट काम करूंगा, तो हम करते हैं भाई इसमें होल। और भाई यह है ज्वेलरी सा, देखिए काफी इसका थिन ब्लेड होता है, और भाई मैं इसे इसके अंदर डालूंगा और इसकी कटिंग करूंगा। लो भाई कट गया, तो चलिए भाई इसमें लगा के देखते हैं कैसा बैठता है हमारा स्पीकर। बढ़िया बैठा है लोंडा, जो बात है। देखिए स्पीकर का वायर मैंने पहले कनेक्ट कर दिया है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेस नहीं है। चलिए दोस्तों इसे रोकते हैं, रोकने के लिए मैं ग्लूगन का यूज करूंगा, इसे हम जला नहीं सकते नहीं। तो चलिए गाइस अब बॉक्स तैयार करते हैं, तरीका हम वो यूज करेंगे, हीट करेंगे और चिपका देंगे, थोड़ा अच्छे से हीट करेंगे, थोड़ा इधर से भी कर देंगे जिससे अच्छे चिपक जाए, बस बहुत है। ओ भाई चिपका दो, भाई वाह क्या मस्त मक्खन वाला ही चिपक रही है, ये नहीं छूटा भाई। तो इसके और पार्ट जोड़ने से पहले मैं सोचा फ्रेंड्स के सारे कनेक्शन ही कर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें इसमें और कुछ भी करना है वो आपने सोचा नहीं होगा, हम इसमें ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो बन रही है। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ पैम 8403 क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड, देखिए बहुत मस्ती काम करता है, 5 वोल्ट वर्क करता है, और ये स्टीरियो बोर्ड है, आप चाहते फ्रेंड्स से मोनो में भी यूज कर सकते हो, यानी कि एक स्पीकर पर या 2 स्पीकर पर आप इसे यूज कर सकते हो। एक 5 वोल्ट का ब्लूटूथ मॉड्यूल में यूज करने वाला हूँ, दोनों कनेक्शन मैंने काफी बार अपने वीडियो बता दिए इसलिए मैं तुरंत कर देता हूँ। तो भाई कनेक्शन आप देख सकते हो कर दिया मैंने, लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट, बीच में मत जोड़ेगा, इससे ले लेता है नेगेटिव से, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये निकला इसका इनपुट जहाँ 5 वोल्ट दे सकते हैं, और स्पीकर का आप वायर यहाँ लगा दीजिए लेफ्ट में चाहे राइट में लगा दीजिए, क्योंकि मोनो है कोई भी दोनों चालू है कोई भी चल जाएगा। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले नहीं 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 लैपटॉप की बैटरी यूज नहीं करेंगे, ये काफी बड़ी होती है, देखिए इसमें आ तो जाएगी लेकिन फ्रेंड्स काफी लोग कहते समर यार ये यूज मत किया करो ये मिलती नहीं है। चले फ्रेंड्स तो आज हम यूज करेंगे हेडफोन की बैटरी, कहते फ्रेंड्स आप मोबाइल की बैटरी भी यूज कर सकते हो, मैं इसलिए बैटरी यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये काफी छोटी बैटरी है 380 mAh की, देखिए तो भाई इसमें आराम से आ भी जाएगी, और इसे रिचार्ज करने के लिए 5 वोल्ट का चार्जिंग मोड है जो कि हमारी बैटरी सेफ रहनी चाहिए चलनी भी चाहिए। इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं, अब भाई इसे रोकने का भी जुगाड़ करना है। बोर्ड और मॉड्यूल और बैटरी ये फ्रेंड्स अलग अलग कलर की है, जबकि दोस्त हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो व्हाइट कलर का है, तो आप इन तीनों कंपोनेंट्स पर कोई भी व्हाइट टेप लगा दें जिससे दोस्त ऐसा लगे बाहर जैसे अंदर कुछ है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट लग रहा चाहिए, इसे अंदर कुछ है ही नहीं। इसे ऑन ऑफ करने के लिए मैं एक पुश स्विच का यूज करूंगा, देखिए ऑफ ऑन, फ्रेंड्स मैंने सारे कनेक्शन इसके कर दिए, अब देखिए मैं यहां पर पुश करता हूं बटन को, देखिए चल रहा है, ठीक है बंद कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने 2 वायर अलग से निकाले हैं, ये नेगेटिव है और ये स्विच से होकर जा रहा है, ये पॉजिटिव है, जैसे चलेगा तो इसके अंदर भी करंट आ जाएगा, देखिए अब चला, ठीक है फिर बंद कर दो बंद हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों निकाले हैं ये अभी जान लेते हैं, पहले फ्रेंड्स इस बॉक्स को पूरा कर लेते हैं। A few moments later. हो देखिए भाई साहब क्या मस्त लग रहा है, देखिए नीचे से क्योंकि फ्रेंड्स ये ट्रांसपेरेंट है तो अभी देखिए आप किट के थोड़ा सा कलर देख सकते हो, लेकिन ये बॉटम के साइड रहेगा। अब देखिए पीछे लगा दिया स्विच, और देखिए चार्जिंग मॉड्यूल, और देखिए फिनिशिंग देखिए, और फ्रेंड्स काफ़ी भारी है भाई ये देखा जाए तो, लेकिन दोस्त है मस्त चीज़, देखिए अंदर मैंने इसके टेप भी लगा दिए
जिससे भाई देखिए बाहर से कुछ भी ना चमके। अब फ्रेंड्स इसमें हम नया करने के हवाले हैं, चलिए उस पर जान लेते हैं। तो भाई इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पे मैं लेकर 8GB LED, देखो कितने सारे LED है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 और 8, 20 LED इसमें लगने वाली है ऊपर की तरफ, वो भी चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो भाई आप आर एन से लगा सकते हो, देखिए इस तरह से कीजिए, बस भाई लगा दीजिए। तो मैंने इसमें 11 LED लगा दिए हैं। वैसे फ्रेंड्स मैं इसमें पूरी 20 LED लगाता, लेकिन भाई देखिए काफी ज्यादा हो जाती, बेड बहुत लोड पड़ जाता, क्योंकि फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन काफी होता है इस LED का, जो कि 8GB LED है। ये पहला और तीसरा भी कवर कर लेगी एक LED। देखिए सारे पॉजिटिव LED के यानी कि बड़े वाली लैग मैंने एक साथ सोल्डिंग कर दी है। इसी तरह से फ्रेंड्स नेगेटिव वायर भी एक साथ सारे कनेक्ट कर लूंगा LED के, यानी सारे पैरेलल में है LED। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, जो दो वायर व्हाइट निकाले थे वो मैंने LED के लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए LED में यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव और बाहर के साइड नेगेटिव। चलिए सब कवर को बंद करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स ये बन चुका भाई साहब। और एक खासियत की ये है कि आप इसे सीधा रखो चाहे उल्टा रखो, देखिए सीधा या उल्टा आप कैसे इसका यूज कर सकते हो। चले फ्रेंड्स फटाफट पहले तो आप उसकी LED का इफेक्ट दिखाता हूँ कैसा लगता है। देखिए वाह, देखिए फ्रेंड्स क्या मस्त लगा। देखिए दोस्त अभी देखिए ऊपर से LED नीचे जा रहे, अब देखिए आप उल्टा रख दो, अब ये LED देखिए उल्टा यानी कि नीचे से ऊपर तरफ जा रहे हैं। चले फ्रेंड्स मैं स्टूडियो की लाइट बंद करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्त लाइट मैंने बंद कर दी है और मैं इसे ऑन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स वाओ, देखिए क्या इफेक्ट आया देखिए नाइट में। देखिए आप इसे उल्टा करो चाहे सीधे करो, आप देखिए नीचे की तरफ इफेक्ट जा रहा है और देखिए आप इसे ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ इफेक्ट जा रहा है। चले फ्रेंड अब फटाफट कुछ गाने वाने से आपको चला के दिखाएंगे, डांस भी करके दिखाएंगे, बने रहिए। तो चलिए गाइस फटाफट से मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। ये खोला मैंने, ब्लूटूथ ऑन हो गया और पीछे से इसे ऑन कर दिया। ऑटो कनेक्ट हो जाना चाहिए, हाँ हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसे कनेक्ट कर लिया था। और एक बात और दोस्तों, देखिए काफ़ी लोगों के समझ इसकी जो LED है वो ब्लिंक हो रही है यानी कि आंखों में लगेंगी। तो फ्रेंड्स आप कोई अलग से एक स्विच ऑन लगा सकते हो, ये आपका पर्सनल चॉइस है। हाँ तो चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं कोई बढ़िया सा गाना, ये साइलेंट गाना, हाँ मेरी तरह। ये रहा माइक, कोई फेक नहीं, झूठ होगा रियल होगा आपके सामने। बहुत ही क्लियर साउंड है बिल्कुल एक्चुअली में। दोस्त मैंने लाइट बंद कर दिए और देखिए फ्रेंड्स आप इसे इस तरीके से जैसा मर्जी चाहे उस डायरेक्शन में रख सकते हो। चलिए मैं इसे प्ले करता हूं। बहुत ही क्लियर साउंड आ रहे हैं बिल्कुल HD मेरी। चलो गाना लगाते हैं। तो फ्रेंड्स कॉपीराइट आ जाएगा भाई, ज्यादा गाने नहीं चला सकते आप समझा करो। तो चलिए गाइस इसे चार्ज करके देखते हैं LED इंडिकेटर कैसा शो हो रहा है। देखिए इस पे तो कुछ और लाइन जरूरत नहीं, तो ऑटोमेटिक शो हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स नाइट में कैसा लग रहा है, पूरा बिल्कुल रेड हो रहा है। फुल रिचार्ज होने पर ये LED ब्लू कलर की हो जाएगी, यानी कि ये फ्रेंड्स पूरा बॉक्स ब्लू कलर का लगेगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, कुछ नया आपने आज देखा होगा। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को समर एक्सपेरिमेंट को। प्लीज दोस्तों मुझे जो बताया आपको ये वीडियो कैसी लगी, देखिए काफी अच्छा लग रहा है। देखिए तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो लाइक जरूर और कमेंट जरूर आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।